जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, विन सेटअप फ्रॉम यूएसपी। ये दो तरह का सेटअप होता है, 32 बिट में और 64 बिट में। आपने अपने विंडो के वर्जन के करस्पॉन्डिंग इसको इंस्टॉल करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 32 है या 64 है? आपने माई कंप्यूटर पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम पे कौन सा 64 बिट ऑपरेशन या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। देन आपने 64 बिट वाले को इंस्टॉल कर लेना है, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। आपको 2000 करनी है, XP, विंडोज 7 करनी है, यूबंटो सिस्टम करना है, लिनक्स करना है, जो भी आपको करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जी तो अब हमने इसमें 2007, 8, 10 या 11 करनी है, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ISO फाइल देनी होगी। जैसे ही आप इसको ब्राउज करवाएंगे, जहाँ पे आपकी ISO फाइल पड़ी है, आप इसको वहाँ से सिलेक्ट करवा देंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे आपने उस फाइल को सिलेक्ट करवाया, वो यहाँ पे आ गया। आपकी जो USB लगी हुई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपकी यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और इसमें डायरेक्टरी है या कुछ और डाटा है या वायरस है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको फॉर्मेट नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारा अदर डाटा भी पड़ा हुआ है। अगर आपका अदर डाटा भी पड़ा हुआ है, तो आपको उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी डाटा के साथ ही आपकी विंडो भी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे कोई अगर एरर होगा, तो हमें यहाँ पर ये बता देगा कि आपके सिस्टम में ये एरर है, ये इसको यूँ होना चाहिए। बाज़ात आप USB को फॉर्मेट करते हैं, तो उसको NTFS में कर देते हैं या FAT में कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और होती है, तो ये हमें एरर दे देता है। तो इससे परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट ये कहे कि आपने फैट में करना है, NTFS में करना है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल उसने कोई एरर नहीं दिया, अभी जस्ट उसको ये रीड कर रहा है, तो अभी हम इसका वेट करते हैं। जैसे ही ये इसको स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये कुछ देर में ही जो है विंडो को इसमें हमारे पास कॉपी करके पेस्ट कर देगा, और हमारी जो ये USB है ये बूटेबल हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी USB बूटेबल होती है, देन हम इस USB को एज ए बूटेबल CD यूज़ कर सकते हैं। विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी विंडो हम चाहें, हम इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो बल्कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अभी टेम्प्रेरी फाइल्स और छोटी फाइल्स को कॉपी कर रहा है। जब ये बड़ी .win फाइल होगी, जो कि असल विंडो का सेटअप होता है, उसको कॉपी करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे आप देख सकते हैं पिछली फाइल छोटी थी, तो इसने इसको कॉपी जल्दी से किया है। अब उसके बाद जो ये एक 214 MB की फ़ाइल है, इसको ये कॉपी कर रहा है। अब जैसे इसको कॉपी कर लेगा, उसके बाद इससे भी बड़ी फ़ाइल होगी। ये डिफरेंट फाइलें हैं, जो 106 फाइलें कॉपी करनी है। अभी देखें ये उस्माल DLL फाइल्स हैं, वो कॉपी कर रहा है। असल फाइल अब ये है, जो कि .iso है, ये उसको वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है 2.94 GB की। तो वीडियो को मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ताकि जैसे ही कंप्लीट हो, फिर मैं आपको वीडियो वहाँ से स्टार्ट करूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी 2.94 GB की फ़ाइल जो है ये कॉपी हो गई है। अभी हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि फिनिशिंग कॉपिंग लार्ज फाइल्स, प्लीज़ वेट। अब जैसे ये कॉपी कम्प्लीट होगा, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा जॉब डन। तो जैसे आपके पास जॉब डन लिखा आएगा, आपकी फ़ाइल जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई होगी आपकी USB ड्राइव में, और देन आप उसको एज अ बूटेबल डिवाइस यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी को किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसको लाजमी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।